शांति। आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी अर्थात दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाप की यह वंडरफुल हट्टी है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में बताया, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है, जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने, इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी, मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुखकर्ता, ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तमेव माता शपिता, ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवा चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं, इसीलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि हे पतित पावन है, लिब्रेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वखर यानी सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीज़ें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। बाबा से लेने के लिए बाबा के पास परमधाम नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं मुझे ही देने के लिए नीचे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वखर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता।
आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं, माया भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे। इस समय वखर लेते हैं, सत्युग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं। सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती सुख होता नहीं, फिर वह सुख भी प्रायलोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं, तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था, अभी वह थोड़े ही है। सब गुम हो जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। यह क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, वापिस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं, तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गंवाया है। बाप समझाते हैं, अब ये सारी पुरानी दुनिया जड़जड़ी भूत है, दुनिया तो यही है, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है
तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं भक्ति करते करते। जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना ज्ञान दिन भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है, तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर शांति का सागर है, कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता, कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वॉइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहाँ भी तो विकार था। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते। फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हों ये कैसे हो सकता, वहाँ इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं, भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वह कहते भी हैं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है, गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी बस, फिर खेल खत्म, फिर क्या हुआ कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बैठ ये समझाते हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा, हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है, महिमा सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है, बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है। बरोबर बेहद का सुख था, बरोबर बाबा कह रहे हैं बेहद का सुख था, फिर हेल में क्यों पड़े हैं ये कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे फिर तुम ही गिरे हो, देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसको भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चला आता है। ये सब राज बाप समझाते हैं, उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है, सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी, ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में, यहाँ तो एक को शांति होगी फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह ना सकें। सुख शांति पवित्रता सब चीज़ों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है, उनसे कोई आकर व्यापार करे उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति
सब कुछ उनके पास है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ पद भी बहुत ऊंच पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वखर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब ही कट उतरेगी। मुख्य है याद, प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है, 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है ये किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं मन मनाभव, अर्थात माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हथ कार दे दिल यार दे, कर्म योगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है, वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुँच नहीं सकती, कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉडफादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वखर है, वही जादूगर है, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर और धारण कराना है, जितना धारण करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है, लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई सत्संगों में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी।
धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वखर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान है अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसीलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन है कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत अवस्था है। अच्छा, ओम शांति।